गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए 9th-10th की व्याकरण की नोटबुक। कल हमने बात की थी, उसके बारे में आपने पढ़ा था। कल हमने कारक की परिभाषा और कारक का कुछ परिचय हमने देखा था। कारक किसे कहते हैं? कारक को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध बताने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इन दोनों के बीच में कल मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि मोहन ने पढ़ाई की, यही बताया था। कुछ भी मान लो, खाना खाया, पढ़ाई की, तो मोहन तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। कार्य क्या किया? पढ़ाई हो गई। तो ये तो क्या हो गई इसकी? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। और ये क्या हो गया इसका? कर्ता हो गया। तो कर्ता और क्रिया के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परसर्ग या कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग या कारक कहते हैं। मोहन ने पढ़ाई की, तो मोहन तो हो गया कर्ता, कर्ता कारक हो गया। और देख लो, लिखवाया हुआ है यहाँ पे, आज हम इसकी बात करेंगे। पहले इसमें देख लीजिए, मोहन ने पढ़ाई की, तो ये कर्ता कारक हो गया और ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो कर्ता और क्रिया के बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, या दोनों के बीच में जो संबंध बताया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कारक या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग या कारक कहते हैं। इसके आगे हमने बात की थी, इसमें पोस्ट पोजिशन, परसर्ग का समतुल्य बताया गया है। पोस्ट पोजिशन किसके कौन से शब्द से बनाया हुआ है? ये परसर्ग शब्द से, जो पोस्ट पोजिशन का क्या है? समतुल्य बताया गया है। परसर्ग पोस्ट पोजिशन का समतुल्य बताया गया है। प्री पोजिशन के आधार पर ही हम क्या कहते हैं इसको? पोस्ट पोजिशन कहते हैं। प्री पोजिशन के आधार पर ही हम क्या कहते हैं इसको? प्री पोजिशन के आधार पर क्या कहते हैं? पोस्ट पोजिशन कहते हैं। इतनी बात हमने कल कारक के अंदर कर ली थी। आज हम बात करेंगे कारक के भेद। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार से दिए गए हैं। कारक और इनके चिन्ह, पहला है कर्ता ने, कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। चौथा है संबंध कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता के लिए मैंने अभी बताया था, कर्ता कारक बताया था। किसी भी चिन्ह से पहले, जब पहले कोई भी शब्द आता है वह कर्ता के लिए बताया गया है। ने से पहले यदि कोई वर्ड आता है तो वह क्या हो जाता है? कर्ता कारक हो जाता है। को के पहले यदि कोई शब्द आता है तो वह क्या हो जाता है? कर्म कारक हो जाता है। ठीक है, कर्ता को जोड़ने के लिए ने के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ने का प्रयोग करते हैं। कर्म को जोड़ने के लिए को का प्रयोग करते हैं। कर्म वाक्य के अंदर कर्म को जोड़ने के लिए को का प्रयोग करते हैं। करण के लिए वाक्य में से का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? से द्वारा, के साथ या के बिना। संप्रदान के लिए, संप्रदान के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? के लिए का प्रयोग करते हैं। अपादान से पृथक या अलग होना, अपादान के लिए बताया गया है पृथक या अलग होना। जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से यहाँ से तो करण कारक में भी आ रहा है, लेकिन करण में क्या है? किसी वाक्य को जोड़ने के लिए बताया गया, लेकिन अपादान में क्या है? इसको अलग होने का भाव। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। संबंध के अंदर आएगा का के की या ना ने नी या रा रे री। अधिकरण के अंदर होता है मैं पेपर। किसी भी वाक्य में यदि मैं पेपर आता है तो वहां पर कौन सा कारक माना जाता है? अधिकरण कारक माना जाता है। संबोधन, संबोधन के अंदर बताया गया है हे, अरे, ओ, अजीब। क्या बताया गया है? संबोधन, किसी चीज को हम संबोधित करते हैं, बुलाते हैं या कहने के लिए पुकारते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हे, अरे, तुम कौन हो,
तुम कहाँ जा रहे हो, ओ वाह। कई बार हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। अजी सुनते हैं, हे राम, इस प्रकार से हम इन वर्डों का प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, संबोधन होता है। तो मैंने कारक के बारे में बताया, कारक कौन कौन से हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कितने प्रकार है, इसके 8 प्रकार है। और ये क्या है, इनके चिन्ह बताए गए हैं। किसी भी वाक्य में ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पेपर, है, अरे आता है, तो उनमें इन्हीं कारकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनको आपको याद भी करना है और नोटबुक में लिखना भी है। कर्म के अकॉर्डिंग ही आप इनको क्या करोगे, याद करोगे। तो कर्ता ने किस प्रकार से याद करोगे, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काके की, नाने नी, रारे री, अधिकरण में, पेपर, संबोधन हे, अरे, ओ, अजी। इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। ज्यादा अगर याद नहीं होता है तो इनका एक एक वर्ड ही ले लीजिएगा, जैसे दे रखा आगे, द्वारा, के साथ, के बिना, पर इनको ध्यान में भी रखना है। किसी वाक्य में से दे दिया, किसी में द्वारा दे दिया, किसी में के साथ दे दिया, किसी में के बिना दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, तो इनमें एक ही याद कर लो तो आपको पता लग जाएगा आगे क्या आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब तक इनको आप याद नहीं करोगे, इनके भेद जब लिखवाए जाएंगे, इनकी परिभाषाएं जब बताई जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये 8 भेद है, इन 8 भेदों की हम कल चर्चा करेंगे कि कर्ता कारक किस प्रकार से होता है, कर्म कारक में किस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करण में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कितने भेद बताए मैंने कारक के, 8 भेद बताए हैं। कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काके की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन हे, अरे। इस प्रकार से आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, इनको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।